जमीन बैठ जाती है, रोड बैठ गए और वो पाइप वो जो है ना तो पोल के पास हमारे सुधर सकते हो ना, एपीआई वाले सुधरेंगे। ये वही तो प्रॉब्लम है ना लोगों को यहाँ पे, सिर्फ उनको विश्वास में लेने की बात है, जो जैसा बेचारे कह रहे हैं उनकी जो कंसर्न है कि भैया पाइप की कोई दिक्कत नहीं, हमसे 10 पाइप का प्रावधान है, हमसे 20 अभी सेंसर करा लो। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें वो ज्यादा खर्च भी नहीं है उस हिसाब से। वो वहां से पोल से ना, पोल से वाइडनिंग कर लो यहाँ तक, जगह ऑलरेडी है। आइए ये बताइए पाइप आपको कहाँ चाहिए और ये रोड जो है इसको चौड़ी करवा लीजिए अपने हिसाब से। कोई इसमें आप लोग चौड़े नहीं, इसमें कुछ किए हैं ये पंचायत की खोद के, इसको पाट दिए हैं। हाँ कितना है, एक भी यहाँ मुर्मी नहीं डाले हैं बाहर से। अच्छा, इसमें यहाँ से रोड वहाँ तिला तक एक भी रोड में बताइए कि जो जो पोल है हाँ, से अगर इसकी वाइडनिंग अगर करें चौड़ा, एक भी नहीं जाएगी बाहर। अच्छा, नहीं जाएगी क्यों? अब ज्यादा डिस्कशन, एक मिनट में बाहर आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या उपयोग आपका? ये काम आपको करना है सर, मना कर रहे हैं कि नहीं डालने देंगे। ये जमीन किसकी है? जमीन उनकी है, वो बताए तो आप लोग मिलकर नहीं कराएंगे। ये बताइए कि पंचायत की जो काम किया गया है इसमें इसमें मोरम का पूरा काम कर रहे हैं, उठा रहे हैं, रोड कोई ढंग से बन नहीं रही है। आप हो जाएगा, आप कुछ नहीं होगा। आज 4 महीने से यहाँ पाइप डालने लगे, वो वादा किए थे, आज तक पाइप नहीं डाली गई। बताओ ना, कुछ नहीं डाली गई, जब तक पाइप नहीं डालेगी कोई काम नहीं। सरकार है हमारी, तो फिर ऐसा ताव मत खाओ। ताव हमारे शासन जमीन नहीं है, ऐसे नहीं। अच्छा आपको मत बोलिए, सुनो यार, पहले सुनो तो मेरी बात सुनो। आपको काम बंद कराना, जैसे आपने बोला काम बंद कर दो, काम आपका बंद कराओ, हम बंद करा देंगे। तकलीफ हमसे बात करो यार, कोई तकलीफ नहीं। नहीं पाइप कह रहे तकलीफ नहीं, बंद करो। समस्या का निराकरण करने आए भाई, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, सब अधिकारी लोग हैं। और एक चीज, पानी बाहर ले जाना है तो अगर पाइप नहीं पड़ेगा बताओ ना यार, इस तरह से काम होकर के बताओ तरीके से। कोई भी हो, दावत दिखाना के काम गरज होगी सरकार आपको, हमारी भी गरज है कि हम आपको पूरा सहयोग करें। ठीक है, आपका आपका सहयोग सुन लीजिए, बहुत देर से हो गया, आप भी सुन लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस रोड के बनने से सरकार को तकलीफ, गांव वालों को तकलीफ हो रही है, तो हम आपको तकलीफ में नहीं, हम समझ रहे हैं आपकी बात को। सही हो नहीं रहा है, अरे जांच करने के लिए भोपाल से हम लोग सब लोग जा, पहले पूरी बात समझ लिया करो, फिर बीच में यहाँ पे घर में बैठे बैठे यहीं पे करते रहते हो, कुछ क्या यार आज तक आप लोग? पाइप जहाँ जैसे अभी अपने अपने द्वार के सामने आ गया, जाओ फिर हुआ करे लगे बड़े लोग। हाँ, आप बोलने भर से नहीं होता। देखिए ऐसा नहीं, ऐसे एकदम से आक्षेप नहीं लगाइए, मेरा आक्षेप इसलिए करिए चौड़ाई यहाँ पे देखो कितनी चौड़ी है, यहाँ पे इतनी कम है। अरे बात तो नहीं देंगे भाई, हमारी जहाँ जमीन है भी चौड़ा, आप इसका क्या करोगे? इसका जिसकी जमीन है वो काश्तकार बताएंगे, जिसकी आप भी है आ जाओ थोड़ा सा यार, हम दूसरे हम तो नहीं दोनों तरफ एक बराबर लीजिए, बराबर। उसके बाद जो जितना फंसता उतना हम देंगे, ले आके देखिए यहाँ उतनी उधर जगह छोड़ दिए, लाके यहाँ पटक दिए, वहाँ से लेने जो तो सर शासकीय जमीन पड़ी है वो है, ये गढ़ाई सर यहाँ से थी, मदद करेंगे, ये बाहरी यहाँ से गुणवत्ता के लिए हम जिम्मेदार है, खराब होगा ये निराकरण आप लोगों को कराना है। सही बात है, आपका लोकल चीजें ऐसी हैं कि जमीनों के मामले में आपको ध्यान तो देना पड़ता है, हम लोग आपको मुआवजा नहीं देते। अरे काम सही होगा, इसीलिए क्या सेवा देना आता है उतना हम देने के। बताइए ना शर्मा कर, सुग्रीव प्रसाद पटेल जी, ये बताइए कि हम लोग धूप में काहे घूम रहे हैं? ये सब आए हैं, सब भोपाल से आए। सुनिए सुनिए, इसी तक ले लीजिए पाइप, पाइप के लिए आप चिंता मत करिए, पाइप एक 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 का हमारे पास जगह होगी, अगर आप कहेंगे हम 4 डलवा देंगे। पाइप आपकी पर्याप्त यहाँ पे पड़ेगी किसानी, और यहाँ पे सबको इनको विश्वास में लेकर के रोड को चौड़ी करवा लो, कम रोड में काम नहीं होगा। ठीक है ना, बोलने का ऐसा नहीं होना चाहिए, रोड काटते हैं तो प्रावधान है हमारे। नहीं क्या है कि ये लोग, ये सब जो आपके जो कार्यकर्ता लोग हैं इनके ठेकेदार, इसे सब इतने त्रस्त हैं, इन लोगों ने बहुत बार किया, इसको लगता है कि इनका कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए आपके ऊपर पड़ गए। आक्रोश स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, वही बात वैसे ठेकेदार नहीं कर रहा था, ऐसे 1.5 साल से धीरे धीरे चल रहे हैं और बंद कराना है। यहाँ पे ये बात फैक्ट है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर क्या नाम सुनील, और आप बाद में आकर के इनको दुबे जी को पकड़ के, इनको पटेल जी को भी समझा के, आप लोग गुणवत्ता के लिए निश्चिंत रहो,
ठीक है, नहीं कभी नहीं मिले इनके बाहर, अरे मिल जाएंगे भाई, अभी नहीं ये एक चमचा है उसी से बात करते हैं, मिलेंगे कोई जरूरत नहीं है किसी से, नहीं नहीं पाइप वाइप की जरूरत हो तो बता दे, भाई भर की मतलब नहीं है, दुबे जी ने इसका मतलब कोई जिम्मेदार मान के बुलाया होगा कि नहीं बोला, आप जमीन का विवाद आपने बढ़वा दिया, बाकी तो यकीन डालते हैं, आप चिंता मत करिए समस्या का समाधान होगा, आप सबके सहयोग से ही होगा, हमारे आपके उपयोग नहीं, नहीं जबरदस्ती वाला कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं रहेगी, सब सब मिलवट के ही होगा और पर्याप्त मात्रा में पाइपें लगेंगी, आपका सीजीएम साहब आपको बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं आप चिंता मत, पढ़े लिखे बहुत बड़े बड़े तो दुबे जी के प्रयास से सब हो गया है, इनके साथ किसी दिन आएंगे जो भी कमी आएगी पूरी करेंगे, पूरी हो जाएगी, आप लोग इस तरह से उद्विग्न न होइए, ऐसी कोई बात ठीक है ना, भाई हम तो आप लोगों के साथ में काम कर रहे हैं, ऐसी थोड़ी बात है, हम कोई ऐसे आदमी को थोड़ी बुला के लाएंगे, हाँ हाँ हाँ